रोल 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 रोल, और इस एडिज पे हम लोगों ने यहाँ पर इसके ये जो है ये हम लोगों ने बनाया है मैदे को पानी में मिक्स करके हम लोगों ने ये इसको यहाँ पर लगा देना है, शायद ज़्यादा ही लग गया है। और इसको हम लोगों ने ऐसे, और फिर इसके बाद हमने यहाँ से इसके अंदर हमें थोड़ा कम लगाऊंगी, यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देना है, और फिर रिपीटली हमने इसको इस तरह हमारा जैसा रोल है तैयार हो। देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने रोलों की फिलिंग कर ली है, रोल हमारे तैयार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो से हमारी रेसिपी है वो है चिकन रोल, और मज़ेदार से सबके फेवरेट चिकन रोल आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। और ये किस तरह बनेंगे, इसकी तरकीब क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा चम्मच ये ज़ीरे का, आधा चम्मच ये पिसी हुई मिर्च, आधा चम्मच ही हल्दी का, थोड़ी सी काली मिर्च, आधा चम्मच नमक का, ये थोड़ी सी शिमला वो बंद गोभी, ये शिमला मिर्च, ये एक प्याज बारीक सा, एक टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये गोश्त। चिकन आपने मतलब कितना लिया, हाफ के जी है, ये कितना है घी डाला है, क्योंकि रोलों में घी सही रहेगा, क्योंकि अगर तेल डालूंगी ना वो पतला सा रहता ना वो मतलब जमता नहीं है, फिलिंग नहीं सही रहेगी। तो मैं ये टमाटर डाल के ना ये अब ये लहसुन अदरक डाल के भूनती हूँ ना ये मुर्गी का गोश्त। ठीक है, तो हम लोग मतलब जिस तरह स्टेप बाय स्टेप तैयार करते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। तो आप लोगों ने व्यूअर्स पूरी वीडियो देखनी है ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि मज़ेदार से जो चिकन रोल है वो कैसे तैयार होंगे। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ और दिखाते हैं आपको। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते कितने कम हम लोगों ने प्याज लिए हैं, ज़्यादा नहीं डालना, इसके अंदर हम लोगों ने एक अदर चौथा टमाटर है वो शामिल करना है। इसको मतलब बना के प्रिजर्व भी कर सकते हैं कि मतलब फ्रेश ही बना के इसका मिक्सचर उधर रख सकते हैं कि नहीं? हाँ, पहले बना के रख लेना। हाँ मतलब अगर अच्छा, एक तो ये हो गया ऑप्शन हमारे पास, और दूसरा क्या ये वाला ऑप्शन है हमारे पास कि हम मतलब रोल की फिलिंग करके उनको फ्रीज कर लें। हाँ, ठीक है, मतलब हम लोग उसको एयर बैग में डाल के इसको रख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग मतलब जब हम लोगों ने अफ्तारी में उसको इस्तेमाल करना हो तो निकाल कर हम लोग उससे इजीली यूज़ कर सकते हैं। इससे ये है कि आपका थोड़ा सा टाइम की बचत हो जाएगी, एक दफ़ा टाइम लगा लें और बाकी आपकी टाइम की दिनों के लिए बचत हो जाएगी। तो कुछ अच्छी आनी शुरू हो गई है, ये ना अब पानी 5-6 मिनट मैंने भूनी है, ये मसाला डाल के ना फिर भूनते हैं इसे। तो वही स्पाइसेस जो हम लोगों ने वीडियो के शुरू में आपको दिखाए थे हम लोगों ने इसको शामिल करने के बाद अच्छे से इसको भून लिया। हाँ जी, ये देखिए 5 मिनट हो गए हमारी, अच्छी तरह ना चिकन भी भून लिया, मसाला भी भूना गया, मिर्च मसाला डाल के। अब ना हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे क्योंकि ये गोश्त है ना थोड़ा सा गल जाए, फिर वो जो सारी सब्जियाँ काटी हुई है ना वो डाल के ना फिर दम के इसे पका लेंगे। अब ये ना थोड़ी देर ना 10 मिनट पकाते हैं, इसमें धनिया भी है सब काटा हुआ, तो शिमला मिर्चें हैं, ये सारी चीज़ें ना मिक्स कर देंगे इसमें। आप बनाएंगे ना माशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे।
ये देखिए हमने सिर्फ 5 मिनट का दम दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ेदार सा जो सा चिकन मिक्सचर हम लोगों ने रोल क्योंकि आज तैयार करने वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो इसको और ठंडा होने के लिए रख दे हम लोग और फिर इसकी फिलिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि जो मिक्सचर हम लोगों ने तैयार किया था अब हम लोगों ने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था और अब हम इसकी फिलिंग करें। यहाँ पर हम लोगों ने जो सी रोल पट्टी है वो रख ली है और रोल पट्टी के अंदर हम ये बहुत ही एहतियात से हम लोग इसको बनाएंगे और इसकी फिलिंग करते हैं। इस तरह हमने फिर इसको रोल 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 और इस एडिज पे हम लोगों ने यहाँ पर इसके जो है ये हम लोगों ने बनाया है मैदे को पानी में मिक्स करके हम लोगों ने ये इसको यहाँ पर लगा देना है, शायद ज़्यादा ही लग गया है। और इसको हम लोगों ने ऐसे और फिर इसके बाद हमने यहाँ से इसके अंदर हमें थोड़ा कम लगाऊंगी यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देना है और फिर रिपीटली हमने इसको इस तरह हमने फोल्ड ये हमारा जैसा रोल है तैयार हो गया। जो तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने रोलों की फिलिंग कर ली है, रोल हमारे तैयार हो गए बहुत ही मज़ेदार से। अब इसको फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये तो व्यूअर्स घी हम लोगों ने यहाँ पर गर्म कर लिया और अब हम इसके अंदर फ्राई कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान आप लोगों ने इनको पलटना नहीं है जब तक इनकी एक साइड मतलब फ्राई नहीं हो जाती। अगर आप पलट देंगे तो ये जो उनसे इनके टूटने का फटने का खदशा रहेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा वेट करते हैं फिर दोबारा इसको साइड को चेंज करते हैं। ये तो व्यूअर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आ गया, अब हम लोग इसको निकाल रहे हैं। इसी तरह बाकी जो उनसे मरे हैं रोल उनको हम लोग फ्राई कर लेते हैं। ये तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो उनसे रोल हैं वो तैयार हो गए, हमने उनको फ्राई कर लिया है और कितने ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रिस्पी से चिकन रोल हमारे तैयार हो गए हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए हमें अपने फीडबैक दें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि मुझे दाश जो सी चिकन रोल की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है वो आपको कैसी लगी है। तो व्यूअर्स अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।